खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। विपक्ष महंगाई, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे उठा सकता है, वहीं सरकार की कोशिश नए और पुराने बिल पास करवाने की है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि काम के लिहाज से शीतकालीन सत्र भी पिछले सत्र की तरह कामयाब रहे। सरकार इस सत्र में 27 नए बिल लाने की तैयारी में है, जिनमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नेशनल रिवर गंगा बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2019, एयरक्राफ्ट बिल, कंपनीज बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल शामिल है। इनके अलावा आपको बता दें कि अभी संसद में 43 बिल पेंडिंग भी पड़े हैं, लेकिन इस बार के सत्र में जिस बात पर पूरे देश की नजर है वो ये कि क्या मोदी सरकार इस सत्र में राम मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट बनाने के लिए बिल लेकर आएगी। चर्चा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 महीने के भीतर केंद्र को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करना है। शीतकालीन सत्र के तमाम बिलों को पास कराने के लिए सरकार सभी सहयोगियों और विरोधियों के साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भी जैसे हमको सहयोग मिला था, सहकार मिला था अपोजिशन पार्टी से, इसी ढंग से मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी भी अपील किए हैं, मैं भी अपील किया हूँ। तो विरोधियों ने भी साफ कर दिया है कि समर्थन तो करेंगे, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी गर्म बहस होगी। साथ ही कुछ कश्मीरी नेताओं के नजरबंदी के मुद्दे पर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विघ्न पैदा करने वाला तो काम करेंगे नहीं, लेकिन अगर जनता की जायज मांग को नहीं सुनेगी गवर्नमेंट, तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है।